मेरी 11 बजने में सिर्फ 5 मिनट बाकी है, पर मैं तो पूरे 8 मिनट 12 सेकंड पहले ही उठ गई थी। मुझे समझ नहीं आता कि आखिर मैं रोज रोज कॉलेज के लिए लेट कैसे हो जाती हूँ। ये सब इस टाइम की वजह से होता है। अभी 8 मिनट पहले 10:48 हो रहे थे और अब इतनी जल्दी 10:56 हो गए। जरूर ये समय मेरे पिछले जन्म का कोई दुश्मन था। काश मेरे पास कोई ऐसी सुपर पावर होती जिससे मैं टाइम को पॉज कर पाती, फिर मेरे लिए सब कुछ कितना इजी हो जाता। हाँ, मेरा भी दिमाग खराब हो गया है जो मैं कुछ भी बोलने जा रही हूँ। सुपर पावर जैसी कोई चीज इस दुनिया में एक्सिस्ट ही नहीं करती, तो मुझे कहाँ से मिलेगी। हाँ, ये क्या है? सोलमेट पिक्ड पावर ऑफ पॉज एंड प्ले। वेट, कहीं मैं कोई सपना तो नहीं देख रही हूँ? आउच, नहीं मैं कोई सपना नहीं देख रही हूँ। हम ठीक है, चलो एक बार इसे ट्राई करके देखते हैं। पॉज, ओह माय गॉड, ये घड़ी तो सच में रुक गई। प्ले, ओ तेरी, ये खड़ी तो चल पड़ी। ये कितना कूल है। थैंक यू सो मच मेरे प्यारे सोलमेट, मुझे इतनी यूजफुल पावर देने के लिए। मिंकी, इधर आओ जल्दी। हाँ मम्मी, आज मुझे इतने गुस्से से क्यों बुला रही हैं? कहीं मैंने फिर से कोई कांड कर दिया क्या? तुम्हें सुनाई नहीं दिया? हाय मम्मी। क्या हुआ मम्मी? कल रात के बर्तन अभी तक सिंक में क्यों पड़े हैं? मैंने तुमसे कहा था ना, सोने से पहले सारे बर्तन अच्छे से धोकर रख देना। तुम्हें शर्म तो आती नहीं होगी, 18 साल की घोड़ी हो गई हो, पर घर का एक काम करने को बोलते हो तो तुम्हें तुम्हारी नानी याद आ जाती है। मम्मी आप ये क्या बोल रही है? मैंने तो सारे बर्तन कल रात को ही धुल कर रख दिए थे। अच्छा, एक तो चोरी, ऊपर से सीना सोस। यस, अब जल्दी से जाकर सारे बर्तन धुल देती हूँ, वरना ये बुढ़िया मुझे कच्चा चबा जाएगी। ये कोई कसर नहीं छोड़ती ये साबित करने में कि ये मेरी सौतेली माँ है। प्ले, आपकी ना उम्र हो गई है, मुझे लगता है कि आपको चश्मा लगवाना पड़ेगा। आंखें फाड़ के देखो, सारे बर्तन बिल्कुल साफ रखे हुए हैं। हाँ, पर ये कैसे हो सकता है? थोड़ी देर पहले तो ये सारे बर्तन सिंक में पड़े थे। लगता है सच में मुझे चश्मे की जरूरत है। हाँ, अब इनको क्या पता, मिंकी अब पहले वाली मामूली मिंकी नहीं रही। मेरे लिए अब कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। ओ शिट, अभी तो टिड्डे सर की क्लास शुरू भी हो गई होगी। पॉज, यस। स्टूडेंट्स, तुम इनकी अभी तो कॉलेज नहीं आई है ना, इस लड़की की आदत हो गई है रोज क्लास में लेट से आने की। अब मुझे इसके पेरेंट्स को कॉल करना ही होगा, वरना ये लड़की। सॉरी टिड्डे सर, पर मैंने आप कह मानो पर कि आप मेरे पेरेंट्स को कॉल करके मेरी कंप्लेंट करेंगे पानी फेर दिया, क्योंकि मैं तो कब से क्लास में ही बैठी हूँ। हाँ, मिंकी तो कोई भूत वूत है क्या? अभी एक मिनट पहले तो क्लास में नहीं थी, तो अभी अचानक से तो कहाँ से टपक पड़ी? वही तो। हो सकता है कि मेरे पास कोई स्पेशल सुपर पावर हो। ओके ओके, बहुत अच्छी मिंकी, मैं ये देखकर खुश हुआ कि आज तुमने अपना प्रॉमिस रखा और कॉलेज टाइम पर आई। अब से रोज ऐसे ही टाइम पर क्लास में आ जाना। हाँ सर, क्यों नहीं। ओके स्टूडेंट्स, तो तुम सब आज के टेस्ट के लिए रेडी हो ना? क्या, पर सर आपने तो कहा था कि आप हमारा टेस्ट कल लोगे। हाँ सर, ये तो गलत है ना। छो, तो टेस्ट कल होने वाला है, ये सोच के तुम लोगों ने अभी तक टेस्ट की तैयारी शुरू ही नहीं की। गलत हो या सही मुझे नहीं पता, तुम सबको 60 के ऊपर मार्क्स लाने ही पड़ेंगे, नहीं तो एक हफ्ते की डिटेंशन मिलेगी। समझ आया तुम सबको? सर प्लीज। हे भगवान, जो नहीं पढ़ा था वो तो छोड़ो, मैंने जो पढ़ा था मुझे तो उन क्वेश्चंस के भी आंसर नहीं याद आ रहे हैं। क्या आपके साथ भी ऐसा होता है? तो जल्दी से कमेंट में बताओ। कल अगर रील देखने की जगह थोड़ा पढ़ लेती तो आज ये दिन ना देखने पड़ते। बेटा मिंकी, ये सारे क्वेश्चंस मैंने क्लास में डिस्कस किए थे, याद करके लिखो वरना डिटेंशन। हाँ सर, मुझे याद दिलाने की कोई जरूरत नहीं है, मुझे ये सब आता है। वो तो रिजल्ट के टाइम पता चल ही जाएगा। आइडिया, मैं अपनी सुपर पावर का भी तो यूज कर सकती हूँ। यस, आज तो मेरी किस्मत ही चमक गई कि मैं डायरेक्ट बुक से देखे चीटिंग कर पा रही हूँ, और बाकी सब तो बेचारे कितने टेंशन में लग रहे हैं। ये क्या, क्लास में सबके अलावा सिर्फ मिंकी को 60 के ऊपर सीधे 90 मार्क्स मिले हैं। क्या 90 मार्क्स, वो भी मिंकी को? ये बात कुछ हजम नहीं हुई सर, जरूर इसने चीटिंग की होगी। नहीं आशा, मैंने मिंकी को एक भी बार चीटिंग करते हुए नहीं देखा है। एनीवेज, टॉपिक चेंज मत करो, मिंकी को छोड़ के तुम सबको एक हफ्ते की डिटेंशन। नो सर, ऐसा मत करिए, वरना हमारे पेरेंट्स हमें छोड़ेंगे नहीं। वेल डन मिंकी, आज तो तुमने सबके होश उड़ा दिए। थैंक यू सो मच सोलमेट, ये सबसे तुम्हारी वजह से हो पाया। मिंकी, ये आज तुम्हें क्या हो गया? तुम तो पूरी की पूरी बदल ही गई हो। तुम लोग इतना हैरान मत हो, मुझे सब पता है। जरूर इस मिंकी का टिड्डे सर के साथ कोई चक्कर चल रहा है, और उन्होंने ही इसकी हेल्प की होगी चीटिंग करने में। छी मिंकी, तुम इतना गिर जाओगी मुझे पता नहीं था। यू नो व्हाट आयशा, आज ना मैं तुम्हें कुछ बोलूंगी नहीं, सीधा करके दिखाऊंगी, क्योंकि वो कहते हैं ना, लातों के भूत बातों से नहीं मानते। बातें तो तुम बहुत बड़ी बड़ी कर लेती हो, जरा मैं भी तो देखो कि तुम मेरे साथ क्या कर सकती हो। हाँ, मेरे गाल में इतना दर्द क्यों हो रहा है, और मेरे बालों को ऐसे किसने खराब किया? इतना सुकून तो मुझे आज तक नहीं मिला। ओ माय गॉड, मेरे कल वाले रील पे कितनी सारी लाइक्स आए हैं।
काश मैं देख पाती कि मैं फ्यूचर में क्या बनूंगी। जरूर मैं एक फेमस इन्फ्लुएंसर बनूंगी। हाँ, आज मेरे सोलमेट ने मुझे फिर से एक न्यू सुपर पावर दी है। पर क्या मैं सच में लोगों का फ्यूचर देख पाऊंगी? तो फिर मैं सबसे पहले खुद का फ्यूचर देखूंगी। हाँ, मैं अपना फ्यूचर देख क्यों नहीं पा रही हूँ। हाँ, चीन टबाक डमडम, ये क्या है? कहीं ऐसा तो नहीं कि मुझे लोगों का फ्यूचर देखने के लिए पहले ये कोड वर्ड्स बोलने पड़ेंगे? ट्राई करके देखती हूँ। चीन टबाक डमडम, ये तो काम कर गया। पर फेमस यूट्यूबर, ये कुछ ज्यादा नहीं हो गया? मेरा तो कोई यूट्यूब चैनल भी नहीं है, तो फेमस यूट्यूबर क्यों और कैसे बनूंगी मैं? वेट अ मिनट, कहीं मैं सच में आगे जाकर एक फेमस यूट्यूबर तो नहीं बनूंगी? ओ माय गॉड, मैंने इसके बारे में पहले क्यों नहीं सोचा? मुझे आज ही अपने यूट्यूब चैनल को स्टार्ट कर देना चाहिए। मिंकी, तुम्हारा ब्रेकफास्ट रेडी है। आई मम्मी। थैंक्स मॉम, खाना बहुत टेस्टी था। हाँ तो कभी तुम भी हमें कुछ बनाकर खिला दिया करो। बाय द वे मॉम, आजकल आप कुछ ज्यादा ही ग्लो कर रहे हो, आखिर इस ग्लो का राज क्या है? ज्यादा मक्खन लगाने की जरूरत नहीं है, समझी? तो खुद से तो मुझे बताएंगी नहीं, तो मुझे खुद ही पता लगाना पड़ेगा। चीन टबाक डमडम। क्या, मेरा छोटा भाई या बहन आने वाली है? आप माँ बनने वाले हो क्या? पर मैं तो प्रेग्नेंट भी नहीं हूँ, फिर ये तुम्हें कैसे पता चला? क्योंकि मैं आपका फ्यूचर देख सकती हूँ। क्या? हे गाइस, हे, क्या मैं तुम लोगों के साथ बैठ सकती हूँ? चल हट, चुपचाप जाकर लास्ट बेंच के कोने वाली सीट पर बैठ। चिमकांटी कहेगी, तूने अपनी शक्ल देखी है, तेरी हिम्मत कैसे हुई हम जैसी प्रीटी गर्ल्स के बीच का आकर बैठने की? रुक जाओ गाइस, वो कॉलेज में न्यू है, उसके साथ ऐसा बुरा बिहेव मत करो। लो आ गए मिस फिलोसफर अपना ज्ञान देने। हे, तुम रो मत, वो लोग ऐसे ही हैं। वो लोग क्या, मेरी फैमिली और फ्रेंड्स भी मेरे साथ ऐसा ही बर्ताव करते हैं। सबके सब मुझे बदसूरत बोलते हैं कि मैं गोरी नहीं हूँ और मेरी शक्ल बंदरिया जैसी है और मुझसे कोई भी शादी नहीं करेगा। मुझे पता है तुम भी अंदर ही अंदर मुझ पर हंस रही हो ना, प्लीज अपनी फेक सिंपैथी मत दिखाओ और चली जाओ यहाँ से। ऐसा कुछ नहीं है, मैं तुम पर क्यों हंसूंगी, तुम जैसी हो बहुत ब्यूटीफुल हो। क्या, मैं अपनी लाइफ में कुछ नहीं कर पाऊंगी, मैं फिर से साइंस में फेल हो गई। दिशा, तुम स्ट्रेस मत लो, मुझे पता है तुम अपनी लाइफ में एक दिन बहुत सक्सेसफुल होगी। हाँ क्यों नहीं, ऐसे बार बार फेल होकर ही तो मैं साइंटिस्ट बनूंगी। चीन टबाक डमडम। हाँ ऐसे ही तुम एक दिन एक बहुत बड़ी साइंटिस्ट बनोगी। बहन, तुझे मेंटल हॉस्पिटल की जरूरत है। पापा सो रहे हैं और मैंने उनके जेब से 2000 रुपए मसक दिया है, अब मैं इन पैसों से एक प्रिटी सी ड्रेस खरीदूंगी। आफ्टर ऑल आज इतने बड़े यूट्यूबर ने मुझे डेट पर जो बुलाया है। डार्लिंग, मेरे जेब से 2000 रुपए गायब है, तुमने मेरे पैसों से फिर से शॉपिंग कर ली ना? क्या? हाँ, थैंक गॉड डैड को मॉम पर ही शक हुआ, यही मौका है, जल्दी से यहाँ से खिसक लेती हूँ। एक तो तुम पूरा दिन मुझसे घर का काम करवाते हो और अब मुझ पर चोरी का इल्जाम लगा रहे हो, बस बहुत हुआ, मैं अपने मायके जा रही हूँ। अरे अरे, मैं तो बस पूछ रहा था, तुमने नहीं लिया तो जरूर वो पैसे मिंकी ने ही लिया होगा, आज इस लड़की की खैर नहीं। मिंकी कहाँ हो तुम, तुरंत मेरे 2000 रुपए वापस करो। शिट, अब तुम्हें कई काम से, अब मैं यहाँ से बाहर कैसे निकलूँ, मैं पकड़ी जाऊंगी। क्या, आज मेरे सोलमेट ने मुझे इनविजिबिलिटी की सुपर पावर दी है और मैं सुपर पावर का क्या अचार डालूं? ओ हाँ, इस वक्त तो सिर्फ यही सुपर पावर मुझे बचा सकती है। थैंक्स ब्रो, मेरा मतलब है सोलमेट। वाओ, मैं तो खुद को भी नहीं देख पा रही हूं। मिंकी, क्या तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा, अपने रूम से बाहर आओ। पैसों के लिए थैंक्स डैड। ये मिंकी कभी नहीं सुधर सकती, मुझे तो पता ही था कि आज ये फिर से कॉलेज के लिए लेट होगी। आज तो मैं इसके पेरेंट्स को कॉल करके ही रहूंगा, पर उससे पहले सब अपनी अटेंडेंस लगवाओ। आयशा प्रेजेंट सर। बिट्टू प्रेजेंट सर। चुटकी प्रेजेंट सर। दिशा प्रेजेंट सर। गोबर प्रसाद प्रेजेंट सर। हग्गू चंद प्रेजेंट सर। इशिका प्रेजेंट सर। जिया प्रेजेंट सर। लल्लू प्रेजेंट सर। मंजुलिका प्रेजेंट सर। मिंकी प्रेजेंट सर। मिंकी का अटेंडेंस किसने लगवाया, अभी क्लास से बाहर निकलो। सर इधर उधर क्या देख रहे हैं, ये मैं ही हूँ मिंकी। क्या, तुम क्लास में कब घुस गई? क्लास में लेट आने की वजह से आज तुम्हें पूरे क्लास की सफाई करनी पड़ेगी। पर सर मैं तो क्लास में ही थी। क्या, पर ऐसा कैसे हो सकता है? हे, तो डेट पर जाने के लिए कॉलेज में क्यों रेडी हो रही है? ऐसे तो कौन से प्रिंस चार्मिंग के प्यार में पड़ गई तू? हाँ मेरा प्रिंस करण, वो जो फेमस क्रिएटर है ना यूट्यूब पर, वही। ओ यार, थोड़े टिप्स मुझे भी देना कि ऐसे रापचिक माल को कैसे पटाते हैं। वो सब तो ठीक है, पर मेरी फैमिली वाले लव मैरिज के खिलाफ हैं। चिंता मत करो मिंकी, हम सारे फ्रेंड्स जाकर उन्हें मना लेंगे। पर तू मुझे ये बता कि तू आज क्लास में अचानक से कैसे टपक पड़ी? तो चलो मैं अपनी सुपर पावर की एक झलक तुम्हें दे ही देती हूँ। सुपर पावर? हे भगवान, मिंकी तुम कहाँ चली गई? मैं तो यही हूँ। नहीं नहीं, तुम मिंकी नहीं हो, तुम भूत हो। रुको, आज तुम बिल्कुल चांद जैसी खूबसूरत लग रही हो मिंकी। थैंक्स करण। मिंकी, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? मैं तुमसे शादी करने के लिए तड़प रहा हूँ, मेरा दिल अब से तुम्हारे नाम।
करण तुम मुझे प्रपोज करोगे ये मैंने सपने में भी नहीं सोचा था। मॉम डैड यहाँ क्या कर रहे हैं? डार्लिंग वो लड़की हमारी बेटी मिंकी जैसी नहीं देख रही? हाँ तुम ठीक कह रही हो, मुझे भी वो मिंकी ही लग रही है। रुको मैं जरा पास से उसकी शक्ल देख के आता हूँ। ओह गॉड डैड तो इसी तरफ आ रहे हैं, जल्दी से मुझे गायब होना होगा वरना आज तुम्हें कई काम से। अरे मिंकी बेबी तुम कहाँ चली गई? ए लड़के वो लड़की कौन थी तुम्हारे साथ? ओह शिट नहीं करण नहीं मेरा नाम मत बताना। वो लड़की वो मेरी गर्लफ्रेंड मिंग। छोड़िए ना हमें गलत फहमी हुई होगी, वो हमारी बेटी मिंकी नहीं होगी। चलो चलते हैं हमारा खाना आ गया। हाँ हो सकता है। चलो देखते हैं आज मुझे कौन सी सुपर पावर मिलती है। प्लीज मुझे कोई ऐसी सुपर पावर देना जिससे मैं सबके सीक्रेट्स पता करके उन्हें ब्लैकमेल कर सकूं। क्या मैं लोगों की सर्च हिस्ट्री देख सकती हूँ? ये हुई ना बात, मैं तो ये देखने के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ कि लोग अपने फोन में क्या क्या सर्च करते हैं। गुड मॉर्निंग मिंकी बेटा, आज मैंने तुम्हारे लिए अपने हाथों से पालक पनीर बनाई है, ये लो चलो पेट भर के खाओ, देखो तो कैसे दिन पर दिन पतली होती जा रही हो। चलो खाओ फटाफट। हाँ डैड खाती हूँ। क्या डैड मेरी हेल्थ के बारे में कितना सोचते हैं, लव यू डैड। लो लो खाकर बताओ कैसा बना है। Hey bestie, बताना ये आउटफिट कोरियन वाइब्स दे रहा है क्या? कोरियन वाइब्स? तुम तो पूरी की पूरी कोरियन ही लग रही हो। थैंक्स bestie। हाँ BTS कॉन्सर्ट की टिकट्स? धोखेबाज तू मेरे बिना BTS का कॉन्सर्ट एंजॉय करने जा रही है? क्या मैं वहाँ जा रही हूँ ऐसा तुमसे किसने बोला? ये सच नहीं है मिंकी, मुझे तो BTS पसंद ही नहीं है। पसंद ही नहीं है? तू एक नंबर की झूठी है, आज के बाद मुझसे बात मत करना। पर मिंकी सुनो तो। ओके स्टूडेंट्स लास्ट एग्जाम के रिजल्ट्स आ गए हैं, लो देखो कौन कितने पानी में है। लो मिंकी। क्या मुझे 80 में से 6 नंबर्स मिले हैं? पर सर इस बार मैंने मैथ्स का पूरा पेपर सॉल्व किया था। थैंक यू सर, मुझे 80 आउट ऑफ 80 मिला है हर बार की तरह। सर आप 50 साल के बुड्ढे हैं और आयशा सिर्फ 18 साल की, आखिर आप उसे डेट कैसे कर सकते हैं? मैं आज ही आपकी वाइफ के सामने आपकी सारी पोल खोलती हूँ। क्या तुम अपने टीचर के बारे में ऐसा अनाप शनाप बातें कैसे कर सकती हो? हम तो सीक्रेटली डेट कर रहे थे ना, तो तुमने उसको क्यों बताया? पर सर मैंने मिंकी को? नहीं सर आयशा ने मुझे कुछ नहीं बताया, वो क्या है ना कि मैं सबकी सर्च हिस्ट्री देख सकती हूँ। शट अप मिंकी। मेरा मतलब है सॉरी, प्लीज मिंकी तुम जो कहोगी मैं वो करूंगा, पर भगवान के लिए ये बात मेरी वाइफ को मत बताना। मैं इसके बारे में सोचूंगी, पर फिलहाल आप मुझे 80 आउट ऑफ 80 दीजिए और इसको जीरो। हाँ अच्छा ठीक है। पर बेबी। ए बेबी होगा तेरा चच्चा, चुप बैठ। अनदर डे अनदर सुपर पावर, तो आज की सुपर पावर क्या है? हाँ पर ये काम कैसे करेगा? ला 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 ला। अरे मम्मी क्या हुआ, आप रो क्यों रही हो? तुम्हारी दादी अभी इस दुनिया में नहीं रही। और वाह बुढ़िया मर गई, तो पार्टी करो ना, ये क्या बच्चों के जैसे रो रही हो। हा? मिंकी क्या तुम्हें इस बात का दुख नहीं है? दुख ये वर्ड तो मेरी डिक्शनरी में एग्जिस्ट ही नहीं करता। अरे छोटू तुम्हारे पैरों से तो खून निकल रहा है, तुम्हें देखकर चलना चाहिए ना, चल बाय। बेस्टी आज मैं कितनी उदास हूँ और तुमने मुझसे एक बार भी नहीं पूछा कि मेरी उदासी का कारण क्या है। क्रिकेट संपत्ति लेने। हाँ बोलो तुम्हें क्या हुआ? पप्पू पान वाले ने मुझे धोखा दे दिया, उसकी पहले से ही 4 बीवी थी। बस तुम्हें इतना ही बोलना है? तो और क्या बोलूं, तुम भी उससे शादी कर लो। बेस्टी तो बहुत बदल गई है। तो क्या मौसम भी तो बदलते हैं। बेस्टी मिंकी सुनो। हाँ बोलो। हमें ब्रेकअप करना होगा, एक्चुअली कृतिका के साथ मैं पिछले कुछ महीने से बहुत क्लोज हूँ। हाँ तो वो प्रेग्नेंट है और मैं तुम्हें ये सब पहले ही क्लियरली बता रहा हूँ क्योंकि मैं उस आने वाले बच्चे का बाप बनने से इनकार नहीं कर सकता। कांग्रेचुलेशंस तुम डैड बनने वाले हो। क्या तुम्हें ये सब जानने के बाद रोना नहीं आ रहा? टॉपिक चेंज मत करो, शादी का कार्ड मेरे घर पर पहुँच जाना चाहिए। हाँ ओके मुझे नहीं पता कि मुझे आज के सुपर पावर के बारे में क्या बोलना चाहिए, बट आई रियली होप कि मैं किसी को कोई भयंकर कर्ज न दे दूं। हे बेस्टी गेस करके बताओ कि आज मैंने क्या न्यू पहना है। क्या पहना है? ये टॉप, ये बैग, ये लिपस्टिक, ओ हाँ ये पैंट्स। नहीं अच्छे से देखना। हाँ ये शूज, ये नए हैं, अच्छे लग रहे हैं। ये शूज तुमने ही मुझे मेरे 16th बर्थडे पर गिफ्ट किया था, तो ये न्यू कहाँ से हुए? तुम अंधी हो गई हो क्या? क्या मेरे न्यू सनग्लासेस तुम्हें दिख नहीं रहे हैं? अरे मिंकी कहाँ हो तुम, मेरे चारों ओर अंधेरा छा गया है, मेरी आंखों को ये क्या हो गया? ओह शिट ये मैंने क्या बोल दिया, मैं रिया को कर्ज नहीं देना चाहती थी। मैं अंधी हो गई क्या मिंकी? प्लीज बोलो ना क्या तुम यहाँ हो? हाँ रिया मैं यही हूँ, चलो मेरे साथ। लोकल्स फेमस यूट्यूबर करण ने मुझे इंस्टा पर फॉलो किया है। क्या तू ढींगे तो नहीं हाक रही? तुझे पता है ना वो कितना बड़ा यूट्यूबर है। हाँ आखिर करण को इस चुड़ैल को फॉलो करने की क्या जरूरत थी? आयशा ये तुम्हें क्या हो गया, तुम कितनी डरावनी लग रही हो। चलो अच्छा है, अब आयशा का ये रूप देख कर करण उसे ब्लॉक ही कर देगा। अरे मिंकी क्या तुम्हें कोविड हुआ है?
मैं खास रही हूँ तो इसका मतलब मुझे कोविड हुआ है। कोविड तुम्हें और तुम्हारी आज पूरे दिन मैं अपना मुंह ही नहीं खोलूंगी। मिंकी तुम्हें पता है इस आदमी ने मेरे डैड को किडनैप किया है, मैं तुम्हारी हेल्प कर सकती हूँ। इस आदमी और इसके पूरे गैंग को पैरालिसिस हो गया है और ये सब डेडली अरेस्ट हो चुके हैं। है? मिंकी तुझे क्या लगता है तुझे जो ये रोज रोज नए नए सुपर पावर्स दे रहा है वो कौन है? कहीं तेरा सोलमेट वो करण तो नहीं जिसको तू डेट कर रही है? और क्या, वो करण ही है। आई नो। लेट्स सी। ओ तेरी, टेड सर तो क्लास में चले गए, अब मुझे उनकी डेंजरस पनिशमेंट का सामना करना पड़ेगा। हाँ हाँ, ये किसकी पेन है? मुझे ये पेन जानी पहचानी लग रही है पर मुझे याद नहीं आ रहा है मैंने किसको ये पेन यूज करते हुए देखा है। हे hey, मैं हूँ पेपा पेन और मैं मेरे ओनर की फेवरेट पेन हूँ। हाँ ये क्या, ये पेन मुझसे बात कर रही है? तो तुम्हारे ओनर का नाम क्या है? मैं अपने ओनर का नाम तुम्हें नहीं बता सकती क्योंकि वही तुम्हारा सोलमेट है और वो तुमसे इतना प्यार करता है कि उसने मेरा ही यूज करके अपनी पूरी बॉडी पर आई लव यू मिंकी लिखा है। ये तुम क्या बोल रही हो, करण तो इस कॉलेज में पढ़ता भी नहीं है। नहीं नहीं, मेरे ओनर का नाम करण नहीं है। और मैं तुम्हारी बात क्यों मानूं, मेरा सोलमेट करण है। करण समझी तुम, अब अपना मुंह बंद रखो। मिंकी तुम्हें क्लास के अंदर आना है भी या नहीं? यस सर। सॉरी टिड्डे सर। अटेंशन क्लास, मिलो अपने न्यू क्लासमेट करण से। हाय एवरीवन। क्या करण, और वो भी मेरे कॉलेज में? देखा मैंने तुमसे कहा था ना, हे बेब इधर आके मेरे साथ बैठो। हाँ आया। मिंकी बेबी क्या तुम्हारे पास एक एक्स्ट्रा पेन है? हाँ है ना, ये रही तुम्हारी पेन। पर ये मेरे ओनर नहीं है। चुप कर। क्या मिंकी अपनी सुपर पावर का यूज करके कुछ इंटरेस्टिंग करो ना। देखो हम सब अपनी अपनी फेवरेट चीजें लाए हैं। मैं भी अपने बचपन का फेवरेट सॉफ्ट टॉय लेके आई हूँ। तो फिर इंतजार किसका है, चलो शुरू हो जाओ और इन सब चीजों के साथ बात करो। अच्छा ठीक है, तो सबसे पहले तुमसे शुरू करते हैं। हाँ ठीक है। तो हाथी राजा, मेरे बचपन का कोई अनोखा किस्सा बताओ। बचपन में जब तुम्हारे मम्मी पापा तुम्हें मेडिसिन खाने के लिए देते थे तब तुम उन्हें ना खाकर मेरे अंदर रख देती थी ताकि उनको पता ना चले। क्या मैं ऐसा भी करती थी? ओ माय गॉड, इतने सारे मेडिसिन तुम्हारे टॉय के अंदर क्यों रखी हुई थी मिंकी? तो अब मैं किसके ऑब्जेक्ट से बात करूं? मेरे, ये लो मेरा क्राउन। मेरे अंदर चुटकी के चाचा ने हिडन कैमरा फिट करके रखा है, प्लीज ये बात मेरे ओनर को बता दो, उसकी इंटेंशन सही नहीं है। मिंकी अब तुम मेरी बुक से बात करके बताओ। माही ने अपने छोटे भाई को जान से मार दिया है, वो सबको झूठ बोल रही है, वो एक खूनी है। जब उसने अपने भाई को मारा तब मैं बुक शेल्फ पर मौजूद था और मैंने सब कुछ अपनी आंखों से देखा। क्या माही एक मर्डर करके बैठी है, वो भी अपने ही भाई का? मिंकी क्या बोला उसने? जरूर उसने यही बोला होगा कि मैं बचपन से ही कितनी टैलेंटेड हूँ, है ना? करण कितना अच्छा बास्केटबॉल खेलता है। बेब जरा मेरा टॉवल देना, मुझे बहुत पसीना हो रहा है। हाँ ये लो। एक मिनट, तुम तो एक लड़की हो तो तुम एक पिंक कलर का टॉवल क्यों यूज करते हो? क्योंकि ये मेरी बेबी का फेवरेट कलर जो है। करण जल्दी आ। हाँ आया। ये लो बेबी। हे hey, तुम कौन हो और मेरे ओनर तुम्हें बेब क्यों बोल रहे थे? क्योंकि मैं उसकी गर्लफ्रेंड हूँ। ओ गर्ल, डेलियुलू से बाहर आओ, मेरे ओनर रोज नहाते नहाते आयशा के गाने गाते हैं, वो उससे बहुत प्यार करते हैं। क्या इसका मतलब है करण अब तक मेरे साथ टाइम पास कर रहा था? मिंकी के साथ इतना बड़ा धोखा। हाँ ये कैसी सुपर पावर है, मैं जब जब हंसूंगी तब तब लोगों को पैसे मिलेंगे पर इसमें मेरा क्या फायदा? मिंकी बेटा जरा इस मूवी का ये वाला सीन देखना कितना फनी है। कौन सा सीन मॉम? ये वाला, ये कितना फनी है ना, मैं सीन को 20 बार रिप्ले करके देख चुकी हूँ पर फिर भी मेरी हंसी रुकी नहीं रही है। अरे इतने सारे पैसे आसमान से कहाँ से टपक पड़े? हे मिंकी ये देखो मैंने टैटू बनवाया है, कैसा है? टैटू? आई एम अ लूजर। तुमने खुद को लूजर साबित करने के लिए टैटू बनवा लिया? अरे ये मैंने दूसरों के लिए बनवाया है ताकि सामने से जो भी इसे पढ़े वो खुद को ही लूजर बोले और खुद पर ही हंसे। क्यों हूं ना मैं स्मार्ट? क्या अरे वाह, आसमान से पैसे गिरे, चलो टैटू के 5,000 रुपए वसूल हो गए। मुझे ये सुपर पावर बिल्कुल अच्छी नहीं लगी, इससे मुझे छोड़ के बाकी सबको पैसे मिल रहे हैं। ए चिमकांडी, मैंने सुना कि तेरे दांत फाड़ के हंसने से लोगों को मोटे पैसे मिल रहे हैं। नहीं अब मैं इससे किसी का भी फायदा नहीं होने दूंगी, चल जल्दी से अपनी बत्तीसी दिखा। ए सुना नहीं क्या तुमने, हंसना जल्दी। ठीक है। अरे वाह पैसे पैसे पैसे। क्या ओए सोलमेट, ये तुम कैसी डर्टी सुपर पावर दे रहे हो मुझे? तुम्हें मुझे ऐसी पावर देने से पहले शर्म नहीं आई? एक बार तुम मुझे मिल जाओ, अगर मुक्का मार मार के तुम्हारी नाक ना फोड़ दी मैंने तो मेरा नाम बदल देना। पता नहीं आज किस किस को नंगा देखना पड़ेगा, मेरा बस चले तो आज मैं पूरे दिन अपनी आंख ही ना खोलूं। मिंकी
क्या हुआ डैड? इधर देखो मेरी तरफ, तुम हर एग्जाम में फेल कैसे हो रही हो, जवाब दो मुझे। वो डैड। क्या डैड? पहले अपनी आंखें खोलो और फिर बात करो। नहीं डैड, मैं अपनी आंख नहीं खोल सकती। अच्छा तो अब तुम उल्टा जवाब देना भी सीख गई। आंख खोलती हो कि? खोलो अपनी आंख, खोलो खोलो अपनी आंख। ओफो, आज सारे ऑटो वाले डेट पर चले गए, क्या एक भी ऑटो नहीं मिल रही है? एक तो इस रोड पे कितने सारे लोग हैं। एक काम करती हूँ, आज पैदल ही कॉलेज चले जाती हूँ, मुझे किसी को नंगा नहीं देखना। ओए मिंकी, क्लास में ऐसा सर नीचे रखेगी तो तुझे क्या लगता है मैं तुझे देख नहीं पाऊंगा? चल मेरा पैर हाथ दबा। रॉकी मुझे डिस्टर्ब मत कर। मैंने कहा मेरा पैर हाथ दबा, मैं सीधा तेरा पैर ही तोड़ दूंगी, समझा? क्या कहा तूने? तेरी इतनी हिम्मत, तूने रॉकी को धमकी दी? मुंह उठा ना, मुंह उठा कर रॉकी, तू ऐसे नहीं मानेगी। हाँ रॉकी, तूने अपने पैंट के अंदर डायपर्स पहन रखे हैं। रॉकी जरा क्लास में सबको बता कि तू कितना छोटा बच्चा है। ये तू क्या बकवास कर रही है? तुझे लगा कि तू मुझे अपनी फालतू बातों से ब्लैकमेल कर सकती है? ओ रियली, मैं अपनी सुपर पावर से देख सकती हूँ कि किसने अपने कपड़ों के अंदर क्या पहन रखा है। क्या मम्मी? हे मिंकी, ये लेटर तुम्हारे सोलमेट ने तुम्हें दिया है। क्या सच में? लाओ तो मुझे। ये ले, पर ये तू आसमान में क्या देख रही है? अपना फ्यूचर, चल जाए यहाँ से। पर इसने मुझे लेटर क्यों भेजा है? मेरी नाक फोड़नी है तो मुझे जल्दी ढूंढो माय लव मिंकी। हाँ, इसकी हिम्मत कैसे हुई मुझे चैलेंज करने की? क्या दिन आ गए हैं मेरे, पता नहीं मुझे आज क्या क्या देखना पड़ेगा। हाँ ये क्या, मैंने अभी अभी एक लड़के के बॉडी पर आई लव यू मिंकी लिखा हुआ देखा। इसका मतलब? हे रुको, सोलमेट के बच्चे। अरे वाह मिंकी, तुमने मुझे ढूंढ लिया, आई लव यू। करण तुम मेरे सोलमेट हो? क्यों हैरान रह गई ना? हाँ क्योंकि मुझे तुम्हारे जैसा सोलमेट नहीं चाहिए। मुझे पता है तुम उस दाल वाली बात से नाराज हो ना। हाँ क्या, ये तुम्हें कैसे पता? मुझे कैसे नहीं पता होगा, वो सुपर पावर मैंने ही तो तुम्हें दी थी और मैं नहीं चाहता था कि तुम मुझे इतनी आसानी से ढूंढ लो, इसलिए मैंने अपनी कोई भी चीज तुम्हारे हाथ लगने ही नहीं दी। तो क्या वो टॉल तुम्हारा नहीं था? नहीं, वो टॉल टिड्डे सर का था और मैंने जानबूझकर उनसे बास्केटबॉल खेलते वक्त उनका टॉवल मांगा था। और वो पेन उसका क्या, जब मैं वो पेन तुम्हें वापस दे रही थी तब उसने मुझसे बोला कि तुम उसके ओनर नहीं हो। मुझे पता है, वो भी मैंने जानबूझकर ही किया था। मैंने अपनी पेन को बोला कि अगर वो तुम्हें मेरे बारे में नहीं बताती है तो मैं हमेशा उसको रिफिल करता रहूंगा और उसके सिवा किसी और पेन को यूज नहीं करूंगा। हैं? आई नो, मेरी मस्ती की वजह से तुम काफी हर्ट हुई हो, उसके लिए मैं तुमसे सॉरी बोलता हूँ, बट मिंकी आई रियली लव यू। ठीक है। हाँ ठीक है, बस इतना ही। हाँ तो तुमने मुझे इतना परेशान किया और मैं तुम्हें इतनी आसानी से माफ कर दूँ? अच्छा ठीक है, मैं अपनी सजा भुगतने के लिए तैयार हूँ। फाइनली। तो क्या शाम को तुम मेरे साथ कॉफी पीने चलोगी? प्लीज मिंकी, प्लीज 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 प्लीज। अरे अरे बस, मैंने तुम्हें माफ किया। थैंक यू सो मच मिंकी। तो फिर शाम को मिलते हैं। डन, सी यू।